दोस्तों, जब भी आप कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोचते हैं जो आपको लगता है कि समाज में या देश के बाहर भी लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगा, जब आपका इंटेंशन काफ़ी सही होता है, कुछ बड़ा करने का होता है, और बड़ा नहीं भी है तो कुछ ऐसा करने का होता है जो आम रास्ते से कुछ अलग हटकर है, तो ऐसे कार्य करने के दौरान आपको लगेगा कि आपका जो कार्य है छोटे स्तर पर है या कुछ समय के लिए है, लेकिन ऐसे काम हमेशा के लिए समय के प्रस्तर पटल पर अंकित हो जाते हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर, सो दे आर लाइक कास्ट इन स्टोन। वो पत्थर पर लिखी हुई इबारत बन जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए 100, 200, 1000, 10000 साल तक हमेशा के लिए चिन्हित हो जाते हैं, उसे लोग भूल नहीं पाते हैं। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड का नाम, मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड। मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड ने एक मैगजीन शुरू की थी 1960s में, जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। तो मेरे घर से काफ़ी वो पैशन के साथ उन्होंने ये काम शुरू किया था, काफ़ी दिल से काम शुरू किया था इन्होंने। उन्होंने एक टीम बनाई थी और ये सारे टीम मिलकर कुछ नई नई चीज़ें अमेरिकन कल्चर के बारे में, अमेरिकन जगहों के बारे में, अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, नेचर के बारे में, चीज़ों के बारे में वो कुछ कुछ आर्टिकल छापते रहते थे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में। आप समझ सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट मैचिंग एग्जाम्पल नहीं होगा, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, उस तरह के फ्रीक्वेंसी वाला एक न्यूज़लेटर। हम बात करें 1960s की, जब कोई दूसरा संचार का साधन नहीं था, न्यूज़पेपर ही लोग पढ़ा करते थे, रेडियो बाद में आया, टेलीविज़न का नामो निशान नहीं था, इंटरनेट और ऐसी चीज़ आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था उस समय। हो सकता आविष्कार होना शुरू हो गया था लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। उस समय के ज़माने में आप समझिए एक अच्छा सा रंग बिरंगा एक न्यूज़लेटर आ रहा लोगों के पास में, लोगों के घर में, कितना लोगों को अच्छा लगता होगा। ये कैटलॉग अमेरिका में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इस एफर्ट को काफ़ी सराहा, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड के लिए आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था। 1970s की बात है, किसी कारणवश उन्होंने सोचा कि इसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ फंडिंग का इश्यू होगा, कुछ और चैलेंजेस होंगे, चुनौतियां होंगी। मिस्टर ब्रांड ने जब इसका अंतिम एडिशन निकाला 1970s के मिड के समय के बीच के दौरान, 1972 ऐसा कुछ समय होगा, तो उन्होंने इस आखिरी उसके एडिशन में एक पिक्चर लगाया था एक रोड का जो कहीं जा रहा है, अपरिमित असीमित रोड जो कहीं क्षितिज में जा रहा है और विलुप्त हो जा रहा है पहाड़ों के बीच से होते हुए, और वहाँ पहाड़ों के पीछे से एक या होराइजन से क्षितिज से सूरज का उदय हो रहा है, सनराइज का एक पिक्चर था। एक ऐसा दृश्य जो अगर आप सैटरडे संडे को ट्रिकिंग में जाते हैं, हिच हाइकिंग में जाते हैं या माउंटेन वॉक के लिए जाते हैं तो आपको नज़र आएगा। पुणे के आसपास काफ़ी सारे माउंटेन्स है, काफ़ी सारे ग्रुप्स है, लोग सैटरडे संडे जाते हैं पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए। छोटे छोटे पठार हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, और सुबह का एक अलग ही माहौल होता है, सूरज का उदय हो रहा है, ठंडी हवा बह रही है, तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। ऐसा एक पिक्चर मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड ने लगाया द होल अर्थ कैटलॉग के लास्ट एडिशन में, और उसमें उन्होंने लिखा स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा अपने अंदर के हंगर को जगा के रखिए, और हर वो काम करने की जरूरत नहीं है जो दुनिया को लगता है कि सही है, स्टे फुलिश, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कीजिए। ऐसा ही कुछ मतलब उनका होगा। इस होल अर्थ कैटलॉग को काफ़ी लोग पढ़ते थे, उसमें से पढ़ने वालों में से एक इंसान थे जिनका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स उस समय अपनी युवा अवस्था में थे, एक यंग डायनेमिक एक यूथ थे, और उन्होंने इस मैगजीन को, इस न्यूज़लेटर को काफ़ी समय तक फॉलो किया था, और उनके मन में वो जो अंतिम एडिशन का जो पिक्चर था सनराइज का, और एक रोड जो अंतहीन रोड है जो क्षितिज में जाकर
लुप्त हो जा रहा है, मतलब जीवन एक यात्रा है। वो चित्र उनके मन में चस्पा हो गया और उन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं इन चार शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारने का निर्णय उस दिन ले लिया था। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। नौकरी कभी इन्होंने नहीं की, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने दुनिया की दिशा को बदल डाला। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा करने की जो आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी को बेहतर करेगा ही करेगा, लेकिन वो समाज की ज़िंदगी को, देश को और विश्व को महान बनाएगा, बड़ा बनाएगा। चाहे वो छोटे तौर पर महान बनाए, लेकिन बदलेगा जरूर दुनिया को। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। स्टीव जॉब्स पर किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की, जो आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज मानी जाती है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एप्पल के प्रोडक्ट के जरिए। मेरे सामने एप्पल का एक मैकबुक है जिस पर मैं एडिट करता हूँ, और जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ मन ही मन में धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने उस कैटलॉग को पढ़ा और उस बात को याद रखा उन्होंने। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये बात वहीं पर स्टीव जॉब्स के साथ में रुकी नहीं। स्टीव जॉब्स ने जब अपना एक इंटरव्यू दिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स के सामने, तो उन्होंने इस मैगजीन का जिक्र किया था। उन्होंने मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड के नाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये चार शब्द मैं कभी जिंदगी भर भूला नहीं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और जो आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो जिंदगी भर इन चार शब्दों को भूले नहीं, ऑलवेज स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो हज़ार स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इन बातों को सुना स्टीव जॉब्स से, क्या वो सारे लोग इन बातों को भूल गए होंगे? नहीं, उसमें से सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने इन चार शब्दों को अपने मन में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में उतार लिया होगा। और ये वीडियो जो YouTube में है, इसे मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने। और एक उदाहरण है कि मैं आपके सामने इन चार शब्दों का जिक्र कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से करोड़ों लोग आज इस मंतव्य को अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, इन चार शब्दों को अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टीवर्ट ब्रांड के बारे में मुझे मालूम नहीं है। स्टीवर्ट ब्रांड ने जब इस होल अर्थ कैटलॉग की शुरुआत की होगी, तो उन्होंने पैशन के जरिए शुरुआत की। वो काफ़ी एक आर्टिस्टिक पोइट्री के जरिए अपने इस न्यूज़लेटर को, मैगजीन को निकाला करते थे। स्टीव जॉब्स ने कहा भी है कि उनका एक पोइट्रिक टच हुआ करता था चीज़ों में, पिक्चर्स में, तस्वीरों में, जो लोगों को इंस्पायर करता है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट आप देखेंगे पोइट्री से, स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और मिस्टर स्टीवर्ट ब्रांड की दिल की वो बात, वो पैशन के साथ में शुरू किया हुआ जो इनिशिएटिव, जो उनको लगा हुआ कि शायद वो बंद हो गया 1970 के बीच में, वो हमेशा के लिए चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये एक आंदोलन बन चुका है। इतने सारे स्टार्टअप्स आप इंडिया में देख रहे हैं, खुल रहे हैं, खुलते हैं, हर दिन खुलते हैं। भारतवर्ष जहाँ पर कुछ साल पहले तक सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनना ही लोगों की ज़िंदगी का लक्ष्य हुआ करता था, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का लक्ष्य हुआ करता था इंजीनियर डॉक्टर बनना और टाटा या बिरला कंपनी में काम करना, आज वहाँ से भारतवर्ष काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऐसी ऐसी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं और ऐसे ऐसे रोज़गार के साधन लोगों के सामने आ चुके हैं कि जिसका आप हिसाब करना मुश्किल पाएंगे। सैकड़ों नए नए ऑप्शंस आ चुके हैं लोगों के पास में, मास कम्युनिकेशन, ब्लॉगिंग, हेल्थ, कोचिंग, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, बुक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, कोई एंड ही नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है जो इन चार शब्दों में विश्वास करते हैं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद की एक छात्रा हैं रश्मि बंसल, जिन्होंने किताब लिखी इसी नाम से, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, जिसमें उन्होंने सैकड़ों ऐसे लोगों की कहानियाँ दुनिया तक लाने की कोशिश की, सफल कोशिश की, जो काफ़ी अच्छे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की, जिन्होंने उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे दुनिया और बेहतर हो। दोस्तों, जब आप अपने दिल की बात को सुनते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को बेहतर कर रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि आपके इस दुनिया में आने का जो एक पर्पस है, एक जो उद्देश्य, वो सार्थक साबित हो रहा है, तो इस सही इंटेंशन के साथ में उठाए गए कुछ कदम दुनिया को बदल कर रख देते हैं। स्टीवर्ट ब्रांड ने जो कदम उठाया था, वो कदम काफी लोगों ने उठाया है भारतवर्ष में, भारत के बाहर में, और उनके ये कदम हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहेंगे। आज का मेरा मैसेज आपके साथ में यही है, आपके दिल से जो आवाज़ निकलती है ना, उसको सुनिए। उसको सुनने में, उसके साथ चलने में हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन हिम्मत से उठाया हुआ एक कदम दुनिया की बातों को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहने का ये एक जज्बा, ये जुनून आपकी नहीं, आपके परिवार की नहीं, आपके समाज की नहीं, आपके देश की नहीं, बल्कि दुनिया का स्वरूप सकारात्मक कारणों से बदलने की शक्ति रखता है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। थैंक यू सो मच।